सीधा मैं बगसने की दो कमर का थे टायर फट गया के के बेरा भी मैं तो अनपढ़ बुढ़ी लगाई मन के बेरा उन्हें अपने जी की पटरी अपने जी की पटरी अंग्रेज आ रहे थे और कैथल जा रहे थे अपने घर सावन में तो फिर आते वक्त गाड़ी का टायर फट गया तो इस वजह से सभी थोड़ी सी घायल अवस्था में है और इस अंकल को थोड़ी सी ज़्यादा फ्रैक्चर की अवस्था में थोड़े समय में तो बाकी सब ठीक है। स्लिप कर गई टायर फटने के कारण तो उसने एक पलटी खाई मतलब कि राउंड लगाया गाड़ी ने ऊपर से नीचे तो फिर आगे जाके सफेदा मिट गई तो गाड़ी को केयर थी उसमें कितने 17 से 18 लगभग कहाँ कहाँ के रहने गाँव समझे धोया चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें से ये श्रद्धालु थे कुछ माता त्रिलोकपुर से आ रहे थे कैथल जिला के रहने वाले हैं ये तो इनका टेम्पो का टायर फटने से ये काफ़ी सारे मरीज आ गए थे जिनमें से 18 मरीज टोटल आए हैं। सबका इलाज हमने अपने हॉस्पिटल में सीएचसी बराड़ा में कर दिया है हमारी टीम ने। 3 मरीजों को हमें फ्रैक्चर का शक है उनको हायर सेंटर में सिर्फ ऑर्थोपिनियन के लिए भेज रहे हैं बाकी सारे के सारे मरीजों की हालत स्थिर है सभी के सभी खतरे से बाहर है। ये संगण गांव है कैथल जिला के पास इनका गांव कैथल जिला में गांव है संगण इनका गांव। 112 से क्या नाम इवेंट आया है जब भी हम फटाफट पहुंचे टीम के साथ SHO साहब इस टीम के साथ पहुंचे हमारी और हमने इंजर्ड को फटाफट डायल 112 वाली उसी में गाड़ी में ही सारों को सबमिट कराया। कुछ प्राइवेट व्हीकल्स थे उन पे उनको शिफ्ट करा के फटाफट CH बराड़ा में एडमिट कराया। लगभग इसमें थी कम से कम 14-15 तो सर काफ़ी 3-4 जने ज़्यादा इंजर्ड हैं और कईयों को चोटें लगी हैं कईयों को सिर में चोटें लगी हैं जो डॉक्टर साहब पूरी टीम के साथ लगे हैं और पुलिस प्रशासन भी साथ है उनके साथ गुलशन जी अपनी टीम के साथ मौजूद है मौके। ये सुनने में आया सर त्रिलोकपुर देवी से आ रहे थे और कैथल के पास जिजाना कौन सा गांव है सांगण गांव के हैं और वहां से आ रहे थे इनका टायर सुनने में आया भाई एकदम फट गया जो जाके सफेदों में लगा और गांव धोई के पास और ये ज़्यादा तेज गाड़ी पिकअप थी शुक्र है मालिक का ज़्यादा ट्रेजडी नहीं अभी बचाव है।